नमस्कार, गाजीपुर की दिन भर की सबसे बड़ी 5 खबरों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं जिले की पहली बड़ी खबर से। यातायात माह के तहत पुलिस विभाग द्वारा शहर के लंका पर गोष्ठी का आयोजन बुधवार को किया गया। इस मौके पर यातायात सीओ महमूद अली ने बस मालिकों के साथ ही चालकों और कंडक्टरों को यातायात के प्रति जागरूक किया। उन्होंने कहा कि यातायात पुलिस कर्मियों का सहयोग करें, सुरक्षित यात्रा के लिए वाहन चलाते समय नियमों और चिन्हों तथा संकेतों का प्रयोग करें, चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें, पुल एवं मोड़ पर ओवरटेक न करें, वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग न करते हुए शराब पीकर वाहन न चलाएं। गोष्ठी के बाद सीओ और यातायात प्रभारी प्रवीण यादव ने पुलिस कर्मियों के साथ बाइक चार पहिया सवारों सहित अन्य लोगों में पैम्फलेट का वितरण कर यातायात के प्रति जागरूक करते हुए नियमों का पालन करने की अपील की। बिना हेलमेट के बाइक चला रहे कई लोगों को यातायात सीओ ने फटकार लगाते हुए कार्रवाई की। 207 वाहनों का चालान करने के साथ ही 5000 जुर्माना जमा कराया। मालूम हो कि 1 नवंबर को पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह ने पुलिस ऑफिस पर यातायात माह का शुभारंभ किया था। इसके बाद उन्होंने हरी झंडी दिखाकर यातायात जागरूकता रैली को रवाना किया था। इस माह में पुलिस विभाग द्वारा लगातार स्कूल कॉलेजों के साथ ही अन्य स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को यातायात के प्रति जागरूक किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश अनुदानित महाविद्यालय स्वामित्व पोषित शिक्षक संघ के आह्वान पर जनपद इकाई गाजीपुर के नेतृत्व में स्थानीय स्वामी सहजानंद महाविद्यालय के मुख्य द्वार पर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर टीएन सिंह का पुतला दहन किया गया। इस मौके पर डॉक्टर अभय मालवी ने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश 1 मार्च 2013 के आलोक में राज्य सरकार द्वारा स्ववित्त पोषित शिक्षकों को न्यूनतम वेतन भुगतान एवं 5 वर्ष की संविदा को समाप्त कर पाठ्यक्रम के चलते रहने तक शिक्षकों की सेवा शर्त लागू करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन काशी विद्यापीठ के कुलपति द्वारा हठवादी एवं मनमाना कार्य करने तथा शिक्षकों को साजिश के तहत सेवा समाप्त करने के निर्णय के खिलाफ आज जनपद इकाई द्वारा कुलपति का पुतला दहन कर प्रदेश सरकार को चेतावनी दी गई है। पुतला दहन करने वालों में डॉक्टर अवधेश पांडे, डॉक्टर जयशंकर राय, डॉक्टर सुजीत, डॉक्टर नित्यानंद राय आदि शामिल रहे। दीपावली पर्व के दूसरे दिन गोधना का पर्व पड़ता है। इस पर्व पर महिलाएं गोधना कूटती हैं, प्रसाद के रूप में लाई, सुपारी, मिठाई आदि चढ़ाती हैं। इसमें मिट्टी के सांचे में चीनी के सिरे से ढाले गए घड़िया मिठाई का विशेष महत्व होता है। घड़िया बनाने वाले सांचा में घोड़ा, बतख सहित अन्य खिलौनों के आकार का घड़िया बनाकर इसकी बिक्री भी की जाती है। घड़िया बनाने वाले मेवा मधेशिया और सुभाष मधेशिया ने बताया कि वैसे तो पुरानी परंपराएं तेजी से समाप्त होती जा रही हैं, लेकिन गोधना पर्व पर आज भी घड़िया की मांग बरकरार है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गाजीपुर के कार्यकर्ताओं ने जिला संयोजक सूरज यदुवंश के नेतृत्व में रिपब्लिक भारत के एडिटर इन चीफ अर्णब गोस्वामी को महाराष्ट्र सरकार द्वारा गिरफ्तार किए जाने के विरोध में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। जिला अधिकारी के न रहने पर महाराष्ट्र के राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सीओ चकबंदी को सौंपा। इस मौके पर प्रदेश सहमंत्री कामदेश्वर सिंह ने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद रिपब्लिक भारत के एडिटर इन चीफ अर्णब गोस्वामी को महाराष्ट्र सरकार द्वारा असंवैधानिक रूप से गिरफ्तार किए जाने का पुरजोर विरोध करती है। इस अवसर पर जिला संयोजक सूरज यदुवंश, तहसील संयोजक रोशन विश्वकर्मा, प्रांत कार्य समिति सदस्य सारंग राय, प्रांत कार्यकारिणी सदस्य शुभम साहू, राष्ट्रीय कला मंच जिला सह संयोजक संजीव श्रीवास्तव आदि उपस्थित रहे। त्योहारों का सीजन शुरू होने के साथ ही खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम ने बाजारों में जागरूकता का प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है। आज खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम ने फूड सेफ्टी ऑन व्हील के माध्यम से बुधवार को गाजीपुर शहर में दुकानों से खाद्य पदार्थों के नमूने जांचे। टीम ने लोगों को खाद्य सुरक्षा के प्रति जागरूक भी किया। मोबाइल लैब से जगह जगह जाकर खाद्य पदार्थों की जांच की गई। जांच के दौरान कई नमूने मानक के अनुरूप नहीं पाए गए। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी अजीत मिश्रा FSW की मोबाइल लैब वैन के माध्यम से महुआ बाग, लंका बस स्टैंड आदि बाजारों में लोगों को जागरूक किया। मोबाइल लैब से खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने जिले के दुकानों और मंडियों में जाकर 32 खाद्य पदार्थों की जांच की और 20 दुकानदारों को प्रशिक्षित भी किया और जांचे गए नमूनों में 5 नमूने खाद्य रंग की अधिकता एवं बाह्य पदार्थ के कारण अधोमानक पाया गया। इसके बाद खाद्य वैज्ञानिक ने बताया कि FSW के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम में लोगों के बीच ही नमूनों की जांच की गई। इससे लोगों को खाद्य पदार्थ में मिलावट के बारे में पता चल सके, लोग अधिक से अधिक जागरूक भी हो सके। टीम में जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी अजीत मिश्रा, मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी रामपाल सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी गोपाल चंद वर्मा, अवधेश कुमार, विवेक तिवारी, खाद्य विश्लेषक अरुण कुमार, लैब सहायक अजय कुमार गुप्ता,
रवि जायसवाल, नबीउल्लाह खान, विनय कुमार वर्मा आदि लोग मौजूद थे। गाजीपुर की ऐसी और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।